उत्तरायण की वीडियो आपने देख ली. नाउ वी डू एन एक्टिविटी अबाउट उत्तरायण. काइट बनाएंगे. ऑब्वियसली उत्तरायण में और क्या कर सकते हैं, तो वी आर गोइंग टू मेक अ काइट. इसके लिए आपको चाहिए कलर पेपर्स, फेविकॉल, सीजर, क्रेयॉन, स्केच पेन, कलर पेंसिल, पेंसिल, ओके. एंड सबसे इम्पोर्टेंट, स्प्रेड अ रफ क्लॉथ बिफोर स्टार्टिंग द एक्टिविटी एंड कीप अ रफ क्लॉथ विथ यू सो दैट यू कैन वाइप योर हैंड्स एंड कीप योर वर्क क्लीन एंड टाइडी. ये एक्टिविटी आप अपनी स्केचबुक में करो, A4 साइज शीट पे करो या और कोई पेज पे करो. और जो भी मटेरियल मैम यूज कर रहे हैं वो सेम आपको नेचर लेना है. यू कैन टेक एनीथिंग दैट यू हैव एट होम. आपके पास घर पे जो भी हो इससे आप बना सकते हो, जैसे हम हर बार बनाते हैं, है ना. ओके, सो बी रेडी विद दी और विद ऑल द मटेरियल्स एंड वी मेक अ हैप्पी एंड ब्यूटिफुल स्माइली काइट. सो दिस इज द स्केच बुक. आपके पास स्केच बुक नहीं है, यू कैन यूज एन A4 साइज शीट. और आपको बड़ा काइट करना है तो भी आप A4 साइज शीट ले सकते हो. इट इज फाइन, इट इज अप टू यू, आपको जिसमें करना है. सो हम ये काइट ऐसे स्टैंडिंग बुक में करेंगे, सो वी गेट मोर स्पेस और हमारा काइट भी हम बड़ा कर सकते हैं. आई हैव दिस रेक्टेंगल शीट. मैंने एक रेक्टेंगल शीट करके रखी है. सी दिस इज रेक्टेंगल, राइट. इसमें टू लॉन्ग साइड्स है एंड टू शॉर्ट साइड्स. सो इसको मैंने क्या किया, आई हैव फोल्डेड इनटू हाफ. हाफ फोल्ड किया, देन आई ओपन्ड इट, अगेन आई फोल्डेड इट इनटू हाफ. ओके, इससे क्या हुआ, हमें फोर पॉइंट्स मिल गए ना. यहां पे हमें स्केल से लाइंस ड्रॉ करनी है. ओके, तो मैंने फोर पॉइंट्स जो जॉइंट्स हुए यहाँ पे, आई हैव मेड डॉट्स. मैंने पहले डॉट्स बना दिए सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर मी टू ड्रॉ द लाइन्स. अब दोनों डॉट्स पे एक पेंसिल रखो, दूसरे डॉट पे स्केल टच करो, स्केल को टाइट होल्ड करो और फिर लाइटली एकदम हल्के हाथ से वेरी सॉफ्टली ड्रॉ अ लाइन. इसी तरह से बाकी की थ्री लाइंस भी हम ड्रॉ करेंगे. सो अब देख सकते हैं मेरी लाइंस हो गई, राइट. अब ये लाइंस पे हम कट करेंगे. ऑलराइट, सो सीजर से स्लोली I will cut along the line. So, see, I got a diamond shape. Kites are of diamond shapes. Diamond shape मिल गया, इसे हमें stick करना है. Okay, तो stick कहाँ करेंगे, we'll make it थोड़ा slanting करेंगे so that we get the space to make it stable. Alright, तो you take a favicol. और फेविकॉल से, ग्लू से, गम से, जो भी है आपके पास उससे आप स्टिक करो. एंड यस, रफ क्लॉथ यू हैव, राइट. तो इसको आपकी शीट के ऊपर नहीं, नीचे रफ शीट पर रख के करो, अदरवाइज फेविकॉल के स्टेन्स करेंगे यहाँ पे. ओके, सो नाउ आई एम अप्लाइंग फेविकॉल एंड देन आई विल, मैं फेविकॉल लगा रही हूं और फिर मैं बाद में उसे स्टिक कर दूंगी. ओके, सो स्लोली क्लॉथ से आप रखो, वरना अगर आपके हैंड्स डर्टी है तो आपका पिक्चर भी डर्टी हो जाएगा. ओके, सो स्लोली प्रेस. ध्यान रखना कि आप बॉर्डर्स पे स्पेशली फेविकॉल नीचे अच्छे से लगाओ तो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा. सो काइट हाफ रेडी हो गया. नाउ वी गोइंग टू स्टिक अ ट्राइंगल हियर. ट्राइंगल के लिए यू कैन टेक द सेम कलर, जो साइज जो कट हुई थी उसमें से भी हम ट्रायंगल कट कर सकते हैं. तो उसको क्या करेंगे, ये जो पीसेस है वो परफेक्ट ट्रायंगल नहीं है, सो मैं उसे फोल्ड कर दूंगी हाफ में. ओके, और फिर जो रेस्ट होगा उसे हम कट कर देंगे. सो हियर आई गेट अ परफेक्ट ट्रायंगल. ऑलराइट, तो इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे नीचे स्टिक कर देंगे. Alright, तो ये स्टिक हो जाएगा, तो यू गेट द बेस ऑफ इट ऑल्सो. सो हियर ये ट्राइंगल भी स्टिक हो गया. नाउ टेक अ स्केच पेन, कलर पेंसिल, क्रेयॉन या पेंसिल, आपको जिससे भी करना है आप कर सकते हो.
आई एम गोइंग टू यूज द स्केच पेन. इसके बीच में जो स्टिक होती है हम वो ड्रॉ करेंगे. मैंने ये पॉइंट पे रखा अपनी स्केच पेन और यहाँ नीचे तक आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन. बहुत डार्क नहीं करनी है, जस्ट अ स्मॉल लाइन. ओके, स्केच पेन से करते हो तो स्केल को वाइप कर देना वरना उसकी प्रिंट पड़ेगी. बाकी आप सब कुछ करोगे तो उसमें. नाउ इट इज अ ट्रिकी थिंग. आपसे होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो यू कैन आस्क योर पेरेंट्स टू डू इट. इसके ऊपर हम कर्व करेंगे ऐसे, राइट? सो अगर आपसे पेन से नहीं होता तो पहले हम पेंसिल से करेंगे. वील डू इट विथ अ पेंसिल. लाइटली ऐसे कर्व कर लो. ओके, ये कर्व हो गया. उसके बाद आप क्रेयॉन से, स्केच पेन से, कलर पेंसिल से, किसी से भी कर सकते हो. ऑलराइट, या सी दिस इज रेडी. नाउ नेक्स्ट, सिर्फ काइट तो नहीं है, यू नीड द थ्रेड ऑल्सो. मांजा चाहिए ना, तो मेरा तो इट्स गोइंग टू बी रेड इन कलर. आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस थ्रेड एज रेड इन कलर. ऑलराइट, तो ये मेरी थ्रेड हो गई. उसके पीछे टेल भी होती है ना. टेल हम किससे करेंगे? आई हैव सम स्क्वेयर पीसेस, ऐसे मेरे पास है, ऐसी एक बुक में, क्राफ्ट बुक में भी आती है, तो उसके मैं ट्राइंगल्स कट करने वाली हूँ. इफ यू डोंट हैव सच, यू कैन मेक स्मॉल ट्राइंगल्स आउट ऑफ एनी कलर्ड शीट दैट यू हैव. आपके पास कोई भी कलर्ड शीट है उसमें से ट्राइंगल. जनरली तो सब न्यूज़पेपर्स की टेल बनाते हैं, आपको पता है? यस, वी स्टिक न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स की स्टिक बना के वी पुट दैट. ओके, अगर ये बड़ा लग रहा है, आई विल मेक अ स्मॉल ट्राइंगल आउट ऑफ इट एंड आई एम गोइंग टू स्टिक सम ट्राइंगल्स हियर. ओके, सी मैंने ट्राइंगल्स कट कर लिए. आपको सर्कल्स करने तो सर्कल करो, स्क्वायर करो, जो शेप. आपको स्टार्स लगाने तो आप स्टार्स भी स्टिक कर सकते हो. जो रेडीमेड स्टार्स आते हैं वो भी आप स्टिक कर दो, सिल्वर, गोल्डन, कलर्ड, जो भी करना है. ओके, आई एम गोइंग टू स्टिक दीज ट्राइंगल्स. सी ये स्टिक हो गए. ओके, अब थोड़े एडिशंस. हमारा काइट रेडी है? नहीं, थोड़ा और डेकोरेट करते हैं. आई एम गोइंग टू पुट अप आईज. मैं आईज लगाऊंगी. मेरे पास ये बिंदी का पैकेट है, सो आई एम गोइंग टू पुट दी आईज हियर. आप क्रेयॉन से करो, स्केच पेन से करो, पेपर कट करके करो. सी देयर आर मेनी ऑप्शंस. आपको जिस तरह से करना है आप कर सकते हो. ऑलराइट, और सिर्फ आईज नहीं, वी गोइंग टू गिव इट अ हैप्पी फेस ऑल्सो. सो मैंने क्रेयॉन से आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ब्यूटिफुल स्माइल. सी हियर, तो आपका काइट रेडी हो गया है ना. सो काइट को अकेले रखेंगे? नो, वी गोइंग टू ऐड समथिंग मोर. गोइंग टू पुट अप अ सन. सी मेरे पास येलो सर्कल है. नहीं है तो आप सर्कल कुछ भी ड्रॉ करो, उसके अंदर येलो कलर कर दो. जैसे आई हैव पुट दिस, इसके अराउंड मैंने सर्कल ड्रॉ किया स्लोली, और फिर मैं उसके अंदर कलर कर सकती हूँ. आपके पास येलो पेपर नहीं है तो इस तरह से आप इसमें कलर कर दो तो आपका सन हो जाएगा. मेरे पास है पेपर, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस पेपर टू मेक माय सन. आप इसमें ये करो, फेविकोल लगा के ग्लिटर लगाओ तो सन विल बी शाइनी. जैसे आपको बनाने हो आप बना सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू. पर सन अच्छा लगेगा इफ यू पुट, यू नीड टू पुट अ सन. ओके, वाइप योर हैंड्स एंड डैब इट विथ अ क्लॉथ. कोई भी एक्टिविटी याद है आप सबको, तो कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो ऑलवेज कीप अ रफ क्लॉथ सो दैट यू कैन कीप ऑन वाइपिंग योर हैंड्स और आपका वर्क डर्टी ना हो. नाउ सम सन रेज. यस, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल. यस, सी हमारा सन भी हम हैप्पी हैप्पी बनाएंगे उसे. लेट्स मेक इट हैप्पी. ओके, इट्स शाइनिंग ब्राइट एंड इट्स गोइंग टू लुक वेरी हैप्पी काइट की तरह, है ना, बिकॉज अब सन को भी फ्रेंड मिल गया. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ सम क्लाउड्स. सम तो नहीं, एक क्लाउड की ही स्पेस है, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ क्लाउड. एक छोटा सा क्लाउड यहां पे कर देंगे एंड वन मोर
Here, see, the kite is flying high. Yeah, see, clouds में color हो गए. अब हम birds बनाएंगे. Birds कैसे बनाएंगे? We'll make small tick marks. देखो ये small and big, small and big. ऐसे you can make birds. So I'm going to draw some birds. But we'll keep them away from the kite, है ना? Kite से दूर रखेंगे ना, वरना उसे लग जाएगी. Birds को लग जाएगी. So we'll keep it away from the kite. See, the whole sky is coming out really good. अब छोटे छोटे kites draw करेंगे. We'll make small kites like this. उनको color कर दो, है ना? Different different colors से आप kites बना सकते हो. They are all flying in the sky high, isn't it? I'm going to take up different colors. Different colors के kite draw करेंगे. Yes, see, the sky looks so colorful. और इनकी threads बना देंगे, थोड़ी lightly बनाएंगे, okay? बहुत dark नहीं करेंगे. That's it. Now, something more. यहाँ नीचे space आप देखो, ये खाली रह गया ना? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी? I'm going to draw some trees. Standing line. And then green से थोड़े trees. Yes, round, 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 round. You can go along like this. ये trees हो गए ना आपके? Yes, we're going to make trees. Okay? थोड़ा नीचे trees बना देंगे. आप चाहिए तो एक छोटा सा house बना सकते हो. Ta-da! See, kites. Trees में भी काफी kites हो जाते हैं ना. So मैंने trees में भी kite लगा दिए. I have drawn a small house. तो वो house पे भी kite है. Everywhere there are kites, right? आप ऐसे kites बना सकते हो. छोटे छोटे kites बना के stick कर सकते हो. It's your imagination. जैसे आपको बनाना है बनाओ. Fly kites, but stay safe and take good care of yourself. Okay? Bye-bye and happy Uttarayan to everyone.